और बच्चों कैसे हैं, क्या हाल चाल है? सब मजे में? बढ़िया, पढ़ाई चल रही है, मौज आ रही है, कोई मस्त खाना पीना चल रहा है? देखो बच्चों, हम लोग आ गए हैं डिफरेंशियल इक्वेशन में, एक्सरसाइज 9.2 पर। और इससे पहले वाली एक्सरसाइज भी मैंने करा दी है, और इस टॉपिक क्या पूरे 12th की डिटेल थ्योरी के सारे वीडियो हमारे चैनल पे पड़े हुए हैं, सब अलग अलग प्लेलिस्ट में हैं। उनको पढ़िए और मौज करिए, इंजॉय करिए, है ना। सारे थ्योरी के डिटेल, सारे वीडियो अलग अलग हैं, सबकी अलग अलग प्लेलिस्ट हैं, अलग अलग कॉन्सेप्ट वाइज हैं, ठीक है। और एनसीईआरटी के सवाल भी हैं और आईआईटी के भी सवाल हैं, कोई टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। तो हम लोग देखो 9.2 एक्सरसाइज करते हैं। अच्छा होगा इस टॉपिक के एनसीईआरटी सवाल करने से पहले डिफरेंशियल इक्वेशन की थ्योरी बेटा एक बार पढ़ लो। डिफरेंशियल इक्वेशन की डिटेल थ्योरी का वीडियो है, प्लेलिस्ट है पूरी, उसको पढ़ लो अच्छे से। देखो इसमें क्या है, जैसे कि एक फंक्शन दिया है और साथ में डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है, हमको बताना है ये इसका सोल्यूशन है कि नहीं। तो इजी है, जैसे कि मान लो पहला सवाल देखें, मान लो ये है y बराबर e की पावर x प्लस 1, और इसके बराबर में देखो ये डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है, ये इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल अब हमको बताना है कि क्या ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब क्या डबल डेरिवेटिव का मतलब क्या हुआ, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, सिंगल डेरिवेटिव का मतलब डी बाई डी एक्स बराबर जीरो। तो हमको बताना है कि क्या ये इसको सेटिस्फाई करेगा। तो आसान है, कैसे करोगे, देखो यहां से डी बाई डी एक्स निकालो, क्या आएगा ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स वन का जीरो। अच्छा यहीं से फिर डबल डेरिवेटिव निकाल लो, तो ई की पावर एक्स का डबल डेरिवेटिव क्या हो गया, ई की पावर एक्स। ये दोनों वैल्यू यहां रख दो तो क्या हुआ, e की पावर x माइनस e की पावर x बराबर जीरो, सेटिस्फाई कर गया, सवाल खत्म। ये बताना है बस कि सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, वेरीफाई दैट, वेरीफाई करना है कि गिवन फंक्शन जो है वो करस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन है कि नहीं है, गिवन फंक्शन, ठीक है। एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट, एक्सप्लिसिट का मतलब कि y क्लियरली इन टर्म्स ऑफ x है, इसे कहते हैं एक्सप्लिसिट, और अगर एक्स वाई को मिला जुला कर लिख दे तो वो हो जाता है इम्प्लिसिट। ये हम लोगों ने पढ़ा था डिफरेंशिएशन में भी, एक्सप्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, समझे ना। तो इम्प्लिसिट का मतलब मिला जुला कर लिख दे, जैसे मान लो मैं ये लिख दूँ एक्स इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स बराबर जीरो, तो ये हो गया है ना इम्प्लिसिट, आपस में मिलजुल कर, और वाई क्लियरली लिखा है तो क्या है एक्सप्लिसिट, और ये क्या है इम्प्लिसिट, ठीक है ना, समझे। चलो तो ऐसे कर लेंगे, जैसे कि देखो सेकंड तो इजी है, बहुत इजी है सेकंड तो, थर्ड भी बहुत इजी है, वाई की वैल्यू देखो बहुत आसान है। फोर्थ देखें, जैसे कि मान लो वाई ये है अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर, और वाई डैश क्या है, देखो वाई डैश है एक्स इंटू वाई अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। वाई डैश का मतलब क्या, डी बाई डी एक्स। तो देखिए सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, इसका देखो निकालो डी बाई डी एक्स क्या होगा, डी बाई डी एक्स क्या होगा बोलो, रूट एक्स का क्या होता है वन बाई टू रूट एक्स, जिसे एक्स माना फिर से करो तो क्या हो गया टू एक्स, टू से टू कट गया, तो डी बाई डी एक्स क्या हो गया बोलो एक्स अपॉन अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखो यहां पर क्या हो रहा है बच्चों, सेटिस्फाई करके देखना पड़ेगा कि मामला क्या है। देखो ये डी वाई डी एस की वैल्यू ये आ गई, और यहां देखो एक्स, या देखो ऐसा करो इसी से इसको निकाल सकते हैं डायरेक्ट, या ऐसे भी कर सकते हैं। देखो ये डी वाई डी एस की वैल्यू ये आ गई, एक्स और वाई की वैल्यू क्या है, वाई की वैल्यू रखो अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर, और अपॉन क्या है वन प्लस एक्स स्क्वायर, देखो दोनों साइड बराबर है, ये रूट में है ये विदाउट रूट है, तो इसको काट दो तो क्या हो जाएगा, ये रूट नीचे आ जाएगा ना, ऐसे है ना भाई, अल्फा अपॉन रूट अल्फा तो क्या होता है, सॉरी मान लो ऐसे रूट अल्फा अपॉन अल्फा तो वन बाय रूट अल्फा ही तो होगा ना, तो ये रूट में है ये नहीं है, तो नीचे रूट आ जाएगा, तो दोनों साइड देखो इक्वल हो गए, सेटिस्फाई कर गया, समझे ना। या देखो ऐसे भी कर सकते हैं, इसी में क्या करें, देखो इस टर्म से कर दें मल्टीप्लाई और इसी से कर दें डिवाइड, तो नीचे देखो रूट हट जाएगा, अब डी बाई डी एस क्या हो गया बोलो एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, और ये क्या हो गया, ये हो गया वाई,
तो देखो यही प्रूव हो गया डायरेक्ट यहाँ से। और ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों साइड को बराबर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत इजी है, समझे। चलो आगे बढ़े। बहुत आसान है बच्चों एक्सरसाइज, ही पूरी कर सकते हो, फटाफट कर लो सर जल्दी। देखो सिक्स देख लेते हैं, सिक्स क्या है, y बराबर x sin x, और डिफरेंशियल इक्वेशन ये दिया x y डैश का मतलब dy dx बराबर y प्लस x अंडर रूट x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। देखो ऐसे है, बस समझे, ठीक है। देखो ऐसे यहां से dy dx निकालो तो क्या होगा, पहला दूसरे का डिफरेंशिएशन, दूसरा पहले का डिफरेंशिएशन, ठीक है। देखो यहां रखो इसकी वैल्यू x इंटू डी वाई डी एक्स, यहां देखो y रखो x साइन x, x अंडर रूट x स्क्वायर माइनस y रखो x साइन x, तो x स्क्वायर साइन स्क्वायर x, दो क्या हुआ x स्क्वायर cos x प्लस x sin x बराबर x sin x प्लस x। देखो x स्क्वायर कॉमन लेंगे तो x आएगा, अंडर रूट 1 माइनस sin स्क्वायर x आएगा, और sin स्क्वायर x क्या होता है cos x, तो x स्क्वायर cos x प्लस x sin x बराबर x sin x x स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा cos x। देखो दोनों साइड बराबर आ गए, प्रूव हो गया, आसान है, बहुत इजी, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये देखना है कि सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बस, और कोई समस्या नहीं। देखो सारे क्वेश्चन कर लेंगे ऐसे, बहुत इजी, क्यों यार मतलब परेशान करोगे मुझे, सारे बहुत इजी है, सब कर लेना आसानी से। देखो हाँ ग्यारहवां बारहवां देख ले, देखो ग्यारहवें में क्या है बच्चों, करें नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इन जनरल सॉल्यूशन। देखो जनरल सॉल्यूशन पे ध्यान दीजिए, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फोर्थ ऑर्डर। देखो मैंने बताया था बेटा कि डिफरेंशियल इक्वेशन का जितना ऑर्डर होता है उतने ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते हैं किसी भी इक्वेशन में, बात मैंने लेकिन ध्यान देना जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन ध्यान दो, तो मतलब इसमें क्या होगा बोलो, फोर्थ ऑर्डर है तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट भी फोर ही हो जाएंगे क्योंकि ऑर्डर फोर है, जितना ऑर्डर होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का उसके सॉल्यूशन में उतने ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आते हैं, ध्यान दो, जितना डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होता है उसके सॉल्यूशन में उतने ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आते हैं, लेकिन जनरल सॉल्यूशन में ध्यान रखना, जनरल सॉल्यूशन में, तो आंसर फोर। अच्छा बारहवां देखो, इसने कहा है कि पर्टिकुलर सोल्यूशन, देखो यहाँ पर पर्टिकुलर सोल्यूशन में डिफरेंशियल इक्वेशन का थर्ड ऑर्डर है तो पूछा है कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे, ध्यान देना पर्टिकुलर सोल्यूशन में कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं होता है, जैसे कि मान लो आपने कोई सोल्यूशन लिखा ए एक्स प्लस बी, देखो ये जनरल सोल्यूशन है, इसमें ए और बी क्या है बोलो, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हैं, है ना, तो मान लो ये किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सोल्यूशन है, मान लो, है ना, मान लो ये किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सोल्यूशन है तो ए और बी क्या हो गया बोलो, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हो गया, ए और बी क्या हो गया, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हो गया, तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी उसका ऑर्डर टू होगा क्योंकि यहां पर टू आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी जिसका ये सोल्यूशन होगा, जिस डिफरेंशियल इक्वेशन का ये सोल्यूशन होगा उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर टू होगा क्योंकि इसमें दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, किसमें, उसके सोल्यूशन में, तो सोल्यूशन है ये किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का, मैंने ऐसा मान लिया जनरल सोल्यूशन है तो इसमें दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो इसकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी इसका ऑर्डर टू रहा होगा। अच्छा अब मान लो अगर हम ए की कुछ स्पेशल वैल्यू रख दें और बी की कुछ वैल्यू रख दें तो वाई बराबर कितना हो गया 2x + 3, तो ये हो गया पर्टिकुलर सोल्यूशन, समझो जब हम
जनरल सोल्यूशन में आर्बिट्ररी कांस्टेंट जो होते हैं उनकी जगह पर कुछ स्पेशल वैल्यू रख देते हैं, तो हमको मिल जाता है पार्टिकुलर सोल्यूशन। जैसे ये है जनरल सोल्यूशन, इसमें ए और बी आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, उनकी जगह कुछ स्पेशल वैल्यू ले ली, ए को 2 बी को 3 मान लिया फॉर एग्जांपल, तो वाई बराबर 2x+3 हो गया। तो ये हो गया पार्टिकुलर सोल्यूशन। देखो पार्टिकुलर सोल्यूशन में आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं है, तो पर्टिकुलर सोल्यूशन में कभी भी कोई आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं होता है। तो इसका मतलब पर्टिकुलर सोल्यूशन में आर्बिट्ररी कांस्टेंट कितना हो गया? 0। तो इसमें डी वाला पार्ट सही हो गया, डी वाला पार्ट, क्योंकि पर्टिकुलर सोल्यूशन का मतलब यही है कि आपने आर्बिट्ररी कांस्टेंट को कुछ स्पेशल वैल्यू दे दी। तो जब आर्बिट्ररी कांस्टेंट को आप स्पेशल वैल्यू दे दोगे तो आर्बिट्ररी कांस्टेंट तो खत्म हो जाएगा। तो पर्टिकुलर सोल्यूशन में ध्यान रखना बच्चों, कोई भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं होता है। हाँ, जनरल सोल्यूशन में जितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट होते हैं उतना ही डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होता है। किसमें? जनरल सोल्यूशन में, जनरल ध्यान देना। तो अच्छा सवाल है 11th और 12th। बाकी तो फिर आप लोग ये कर लोगे। अच्छा चलो 8th और देख लें, 8th देख लें। चलो अच्छा 8th में शायद तुम्हें दिक्कत हो। एट क्या है बोलो? वाई माइनस कॉस वाई बराबर एक्स, और डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है? वाई साइन वाई प्लस कॉस वाई प्लस एक्स इंटू वाई डैश बराबर वाई, ऐसा है। देखो तो यहां से काम करो, इसको डिफरेंशिएट करो विस्पेक्ट टू एक्स। तो क्या हुआ बोलो? इसका डिफरेंशिएशन डी वाई डी एक्स मतलब वाई डैश, वाई डैश, और कॉस का कितना होता है? माइनस साइन वाई, तो प्लस साइन वाई, और y का फिर से करोगे तो dy dx, और x का कितना हो गया? y dash का मतलब क्या हुआ? dy dx, एक ही बात है ना। cos y का minus sin y plus sin y, y का dy dx की respect to x कर रहा है, समझो। तो देखो यहां से हमें ये मिला, अच्छा dy dx यहां से कॉमन ले लो, तो 1 plus sin y बराबर 1, तो dy dx क्या हो गया बोलो? ये हो गया 1 upon 1 plus sin y। यहां पर देखो क्या है ये, देखो ये हो गया y sin y, x plus cos y। देखो x की वैल्यू रख दो, y minus cos y, तो cos y कट जाएगा plus y बचेगा, है ना। x की ये वैल्यू रख दो y plus cos y, तो cos y कट जाएगा, y बच जाएगा, और बाहर क्या है बोलो? y dash की देखो ये वैल्यू 1 upon 1 plus sin y, y dash का मतलब dy dx, उसकी ये वैल्यू, और राइट साइड क्या है बोलो? वाई है, यहां से वाई कॉमन ले लो, तो क्या हो गया? साइन वाई प्लस वन, और नीचे क्या हो गया बोलो? वन प्लस साइन वाई बराबर वाई। तो ये इससे कैंसिल होके क्या आ गया? वाई बराबर वाई आ गया। तो आठ में भी कर लेंगे, थोड़ा हेरा फेरी और कुछ नहीं है, मैथ्स की थोड़ी सी हेरा फेरी है बच्चों। बोलो 7, चलो 7 भी कर देते हैं। अच्छा 7 भी कर लो भाई, कर लो सवाल कर लो। देखो x इंटू वाई बराबर log y प्लस c है ना, समझो। और यहां पर क्या है बोलो? y डैश बराबर y स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है। तो बताना है कि ये इसको सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा, समझो। हाँ करते हैं, देखो डिफरेंशिएशन करो रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये मल्टीप्लाई जरूर लगाना पड़ेगा यहाँ पर। पहला दूसरे का डिफरेंशिएशन डी वाई डी एक्स, दूसरा वाई पहले का वन हो जाएगा एक्स के रिस्पेक्ट में, लॉग वाई का क्या होगा? वन बाई वाई डी वाई डी एक्स, और कॉन्स्टेंट का कितना हो गया? 0, ठीक। तो देखो यहां से क्या हुआ, डी बाई डी एक्स कॉमन ले लो, एक्स माइनस वन वाई वाई बराबर क्या हो गया? माइनस वाई, तो डी बाई डी एक्स क्या हो गया बोलो? एक्स वाई माइनस वाई वन अपॉन वाई बराबर वाई माइनस वाई, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो गया बोलो? समझे? माइनस का वाई स्क्वायर अपॉन एक्स वाई माइनस वन, ये देखो वैल्यू यही तो आ गया, देखो यही तो प्रूव करना है, माइनस कॉमन ले काट दो, यही तो प्रूव करना है ना। y डैश का मतलब dy dx इक्वल टू दिस, देखो यही आ गया, बहुत आसान है। तो
बहुत ही ईजी है, बहुत ही महान सवाल है। ठीक है बच्चों, तो बस अब बाकी सवाल तुम कर लेना, इस एक्सरसाइज बहुत ईजी है। तो बच्चों 9.2 में इतना ही, ठीक है। अगले वीडियो में मिलेंगे अगली एक्सरसाइज के साथ में, जिसमें हमें फॉर्मेशन करना है डिफरेंशियल इक्वेशन का, और ये सब कॉन्सेप्ट मैं चुन चुन के आपको पढ़ा चुका हूँ। तो घर पे बैठ करके पहले बच्चों इसके सारे के सारे थ्योरी को पढ़ लोगे तो ये सवाल आपके लिए कुछ भी नहीं बचेंगे। ठीक है बच्चों, तो इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो मिलेगी कुछ और अच्छे सवालों के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।